अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे जबरदस्त होंगे और तूफान मचा रहे होंगे। दोस्त, आपका ये दोस्त आपकी सेवा में फिर से हाजिर है एक ब्यूटीफुल मैसेज के साथ। हवा और समुद्र दोनों ही बड़े अच्छे दोस्त थे, दोनों में बड़ी जिगरी मित्रता थी, बड़ी गहरा लगाव था। एक दिन क्या हुआ, हवा किनारे पे आई और देखी कि एक बच्चा बड़े जोर जोर से रो रहा है और समुद्र को जोर जोर से बोल रहा है कि तू बहुत बेकार है, तू बहुत घटिया है, तूने मेरी गेंद छीन ली। हवा को बहुत बुरा लगा। हवा थोड़े से आगे बढ़ी तो एक माँ बड़े जोर जोर से रो रही थी और समुद्र को गालियां बक रही थी। हवा से रहा नहीं गया माँ का दर्द, तो हवा ने जाकर पूछा, माँ क्यों रो रही हो, क्या दिक्कत हो गई? बोले, समुद्र बहुत बेकार है, इसने ना मेरा बच्चा छीन लिया, मैं किसके सहारे जीऊं। हवा को फिर बुरा लगा, हवा आगे गई। जैसी हवा आगे गई तो एक जो मछुआरा है वो चीख चीख कर रो रहा था और समुद्र को गालियां बक रहा था और बोल रहा था, ये समुद्र तू बहुत बेकार है। हवा से फिर नहीं रहा गया, हवा ने मछुआरे से जाके पूछा, तू क्यों रो रहा है, तू क्यों समुद्र को गालियां बक रहा है, क्यों कोस रहा है? तो हवा जो है उसको बड़ा ही दर्द भरा आंसर दिया उसने कि इसने मेरी पूरी जिंदगी भर की कमाई छीन ली, इसने मेरा जहाज छीन लिया, यहाँ तक कि जो मैंने मछलियां पकड़ी थी वो भी छीन लिया, ये बहुत बेकार है, इसको यहाँ से हटा देना चाहिए। हवा से ये अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो हवा गई समुद्र के पास और बोली, ए समुद्र, जब तू ऐसा क्यों करता है, तू लोगों के साथ क्यों उनकी चीजें छीन लेता है, क्यों जब तू लोग तेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, बुरा भला बोलते हैं, मुझे रहा नहीं जाता, तू बता मुझे तू ऐसा क्यों करता है लोगों के साथ। तो समुद्र ने कुछ नहीं बोला और बोला, ठीक है कल आ जाना, हम कल। तो हवा को बहुत बुरा लगा कि इसने आंसर नहीं दिया और हवा वहां से चले गई गुस्से में और समुद्र भी अपने रास्ते चला गया। दूसरा दिन बीता तो वो दूसरे दिन हमेशा की तरह हवा किनारे पे आई और वो देख के हैरान रह गई कि बच्चा वहां खेल रहा है, बड़ा ही खुश है। हवा उसके पास गई, बोले, बच्चे क्या बात है, कल रो रहे थे आज खुश लग रहे हो। बोले, क्या बताऊं, ये समुद्र ना बहुत अच्छा है, इसने ना मेरी छोटी वाली गेंद छीनी थी, आज बड़ी वाली गेंद लौटा दी। थोड़े से और आगे बढ़ी तो वो माँ बड़ी खुश थी, वहां वो जो माँ है वो बड़ी खुश थी। माँ के पास गई, बोले, माँ क्या हो गया, बड़ी खुश लग रही हो। बोले, क्या बताऊं, मुझे ना इस समुद्र ने ना एक मोती दिया है, मैंने सिर्फ इस मोती को बेचकर मैं ना ढेर सारा पैसा कमा सकती हूँ और पूरी जिंदगी भर की गरीबी दूर कर सकती हूँ, समुद्र बहुत अच्छा। थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो वो मछुआरा जो कल तक समुद्र को कोस रहा था, गालियां बक रहा था, वो समुद्र को बोलता है, ये समुद्र बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हवा ने बोली, कल तक तो गाली दे रहे थे, आज अच्छा क्यों बोल रहे हो? बोले, क्या बताऊं, इसने ना समुद्र के किनारे मेरा जहाज भी लौटा दिया और मुझे ना दुगनी मछली लौटाई है, मैं आज बड़ा खुश हूं, मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा समुद्र को। हवा वापस गई और हवा ने समुद्र से माफी मांगा, बोला कि मैं तो तेरे बारे में गलत सोच रही थी, तू तो बहुत अच्छा है। तो समुद्र मुस्कुरा के बोला कि देख, मेरा काम है हर दिन किनारे पे आना, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नजरिए के हिसाब से मुझे अच्छा और बुरा डिसाइड करते हैं, मुझे उनके नजरिए से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है किनारे पे आना, मेरा काम है, मैं समुद्र हूँ, मेरा काम है, मैं अपना काम करता हूँ, कौन मेरे बारे में क्या राय रखता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। दोस्त, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है कि जिंदगी में लोग आपके बारे में बुरा भला बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, दोस्त इनके उनके चक्कर में रहोगे तो बीत ना जाए रहना। दोस्त, अपने काम पे फोकस करो, अपने टारगेट पे फोकस करो, पड़ोसी क्या बोल रहा है, मोहल्ले वाले क्या बोल रहे हैं, घर वाले क्या बोल रहे हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आपका अंदर वाला क्या बोल रहा है इस बात से फर्क पड़ता है। दोस्त, खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पे मिली सफलता जग में उसको, जीने में या मर जाने में, अपने गोल पे फोकस रखो,
अपने टारगेट पे फोकस रखो, कामयाबी जरूर मिलेगी, और हाँ लोगों की बात में ना आओ। तो फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।